हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमी की स्पॉन के लोकेशन के बारे में, कि भाई वो कैसे जाने, वो कहाँ स्पॉन होंगे, वो कैसे पता करें, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे प्लेयर फोकस नहीं करते, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर बोल सकते हो कि ज़रूरी चीज़ है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के मल्टीप्लेयर में। सो ये वीडियो हम लोग अब बिना टाइम गवाए शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैप, जो पूरा मैप होता है, ओके, जितने भी मैप्स हैं यहाँ पे रैंक में, तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एनिमी की स्पॉन लोकेशन जाननी है तो उसके लिए आप लोगों को पूरा का पूरा मैप नॉलेज होना ज़रूरी है। जितने भी मैप्स हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, वो सभी मैप। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को, अगर नए हो गेम में, तो आप लोगों को बहुत सारे मैप पता नहीं होंगे कैसे कैसी डिज़ाइन है उसकी। तो सबसे पहले तो नॉर्मली गेम खेलो एंड मैप ले लो, पूरा मैप का जो डिज़ाइन है, ओके, कहाँ कौन सी चीज़ है वो पूरी आप अब अपने दिमाग में बैठा लो, पूरी मसल मेमोरी बना लो। सो उसके बाद फिर आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि भाई किस तरह की मैं आगे पॉइंट समझाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। सो सबसे पहले तो आपको मैप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको है मैप नॉलेज, सब मैप आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो ये पहला पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में ना, एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फिक्स लोकेशन होती है स्पॉन की, सबसे पहली। सेकंड चीज़ यहाँ पे कि जो वो कौन सी, तो यहाँ पे जब गेम शुरू होती है तो दोनों टीम एक उस तरफ होती है, किस तरफ होती है डोमिनेशन में। यहाँ पे पूरा मैं स्पॉन जो समझाऊंगा वो डोमिनेशन गेम मोड के ऊपर होगा, सिमिलर सेम जाएगा TDM वगैरह में और हार्ड पॉइंट में भी। तो यहाँ पे फिक्स स्पॉन होती है कि जहाँ पे पूरी टीम शुरुआत में होती है, खड़ी होती है वो, ओके, ये एक फिक्स स्पॉन होती है, वहाँ पे बहुत बार होते हैं स्पॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंड ऑफ का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड ऑफ में देखो टोटल कौन सी फिक्स स्पॉन है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक ये फिक्स स्पॉन है, ओके, उसके बाद यहाँ पे ये एक फिक्स स्पॉन है, ओके, ये दो तरफ की हो गई जहाँ पे टीम, दोनों टीमें स्पॉन होती है गेम के शुरुआत में। उसके बाद जब गेम शुरू होती है उसके बाद दूसरी भी स्पॉन है जहाँ पे नॉर्मली कॉमनली वहाँ पे स्पॉन होते रहते हैं, ओके, स्टैंड अप में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिए ये एक है पेट्रोल पंप, इसको पेट्रोल पंप बोलते हैं, ओके, और यहाँ पे एक और दूसरा है, ओके, जो कि पीछे की साइड है भी, ओके, इसको एली कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल चार ये जगह यहाँ पे नॉर्मली एनिमी स्पॉन होते हैं, कॉमनली यहाँ पे स्पॉन होते हैं, हर बार नहीं होते, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, हर बार नहीं होते, यहाँ पे कॉमनली एनिमी स्पॉन होते हैं। अब यहाँ पे हर एक मैप में ऐसी कॉमन स्पॉन होती है, ओके, जहाँ पे एनिमी स्पॉन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हर बार वहाँ नहीं होते, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हर बार वो लोग वहाँ स्पॉन नहीं होते, बट यहाँ पे मैक्सिमम चांस होते हैं कि भाई वहाँ पे शुरुआत की स्टेज में गेम शुरू हुई हो तो शुरुआत के स्टेज में एनिमी वहीं स्पॉन होते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक तो ये फिक्स स्पॉन होती है हर एक मैप में, यहाँ पे तो मैंने स्टैंड अप बताया, बट बाकी अदर मैप में भी ऐसी होती है स्पॉन जहाँ पे वहाँ पे ही स्पॉन होते मैक्सिमम टाइम, जब आपकी टीम उनके स्पॉन में नहीं होगी तब, ध्यान रखना, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा एनिमी कहाँ स्पॉन होंगे, ओके, एनिमी वो बेसिक चीज़ है, कहाँ स्पॉन हो सकते हैं, उनके चांसेस कहाँ हैं। थर्ड चीज़, तो यहाँ पे बेसिकली देखो इस गेम का मैकेनिज्म ऐसा है, या फिर बोलो इस गेम को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एनिमी वहीं स्पॉन होंगे जहाँ पे आप और आपके टीममेट नहीं होंगे, एंड उस एनिमी के टीममेट होंगे उस तरफ है, ओके। फॉर एग्जांपल समझ लो कि भाई आप और आपके टीममेट मिड में हो, ओके, तो ऑब्वियसली बात है मिड में हो तो आप वहाँ पे मिड में वो स्पॉन होंगे नहीं, प्लस आपके स्पॉन में वो स्पॉन होंगे नहीं। तो यहाँ पे जो एक थर्ड पोर्शन बचता है मैप का, वो कौन सा है, तो वो उनका स्पॉन रह गया, तो वहाँ पे स्पॉन होंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, एनिमी ना आपके साथ स्पॉन होंगे, ओके, वो हमेशा जहाँ पे आप और आपकी टीम नहीं होगे वहाँ पे स्पॉन होंगे, एंड वो लोग कभी कभार देखना आप लोग दो बंदे एक साथ आते हैं, वो क्यों, क्योंकि जहाँ पे उनके टीममेट होते हैं वहाँ पे स्पॉन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई गेम आपको या फिर एनिमी को वहीं स्पॉन कराती है जहाँ पे आपके टीममेट हो या फिर आपके एनिमी ना हो, तो ये एक चीज़ आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। तो क्या आप लोग ऐसे ही आप लोगों को घूमना नहीं है इधर उधर, ओके, एक सोच समझ के घूमना है कि भाई कहाँ कहाँ मेरे टीममेट है, कहाँ कहाँ मेरे टीममेट नहीं है, तो उसके मुताबिक आप पता लगा सकते हो कि भाई अब एनिमी कहाँ स्पॉन हो सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, तो उसमें फोर्थ पॉइंट, तो उसमें बेसिकली ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए आप और आपके टीममेट कहाँ है। तो यहाँ पे देखो रैंडम के साथ खेलोगे तो वो चीज़ नहीं होगी, बट आप अपनी टीम के साथ खेलते हो तो कॉल आउट देते रहते हैं प्लेयर की, भाई यहाँ पे है कि यहाँ पे यहाँ पे, तो आपको बेसिक एक पता होगा कि भाई आप और आपके टीममेट कहाँ है, कहाँ आप होल्ड कर रहे हो, कहाँ आपके टीममेट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप और आपके टीममेट आपको पता है कि भाई कहाँ पर है, ओके, तो आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अब मैप में कौन सा पोर्शन खाली है, लाइक कौन सा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे हम लोग नहीं है, तो वहाँ पे एनिमी स्पॉन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पता कैसे करें कि भाई आप और आपके टीममेट कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो आप और आपके टीममेट कहाँ है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब तक ये चीज़ नहीं जानोगे कि भाई आपके टीममेट कहाँ है, तब तक आप लोग ये प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि भाई कौन सी जगह खाली रह रही है जहाँ पे एनिमी स्पॉन होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कैसे पता करें। तो यहाँ पे देखो शुरुआत में आपको पता ना हो तो शुरुआत में ना आप लोगों को अगर कॉल आउट नहीं देते आपके टीममेट तो ना एक सेकंड के लिए मैप ओपन करो एंड देन देख लो कहाँ है टीममेट, देन मैप क्लोज कर दो, एक अंदाजा लग जाएगा। बट ये हर बार नहीं कर सकते, ओके। जैसे जैसे आप लोग हाई रैंक पे या फिर एक अच्छी टीम के सामने खेलोगे तो वहां पे आप लोगों को मैप ओपन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, वो एक दो सेकंड भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में क्या है, तो ऐसे में यहाँ पे आप लोगों को अपने टीममेट की फिक्स पोजीशन आप लोगों को एक तो तय कर लेनी है, या फिर अगर आप फिक्स पोजीशन नहीं करते तो आपके टीममेट आपको कॉल आउट दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, प्लस मैं कहाँ मरा हूँ, प्लस मैंने कहाँ बंदे को मारा है। ऐसे कॉल आउट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों को एक आप लोगों को पता चले, ओके, हर सेकंड या फिर हर 5-10 सेकंड आपको पता चलता रहे कि भाई आपके टीममेट कहाँ है, आपके टीममेट अगर पोजीशन चेंज करे तो भी आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप लोग एक एक्यूरेट पोजीशन आप लोग निकाल सकते हो एनिमी की। अब यहाँ पे जो ये सब चीज़ है वो शुरुआत में आपको हार्ड लगेगी, शुरुआत में आप जज नहीं कर पाओगे, बट जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को सब पता चलता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है स्पॉन फ्लिप। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पे एनिमी कहाँ स्पॉन हो रहा है, ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया एनिमी कहाँ स्पॉन हो सकते हैं, किस तरीके से, कौन सी जगह पे, उसके बाद आपको पता चल गया और आप लोग स्पॉन कैम्प कर रहे हो। स्पॉन कैम्प के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिए। तो वहाँ पे स्पॉन कैम्प आप लोग कर रहे हो, अब यहाँ पे किल लेने के लालच में या फिर कभी कभार ना आपके टीममेट ना बहुत ही अंदर घुस जाएंगे उनके बेस में, तो यहाँ पे स्पॉन फ्लिप हो जाता है। तो यहाँ पे जब स्पॉन फ्लिप होता है तो जब एनिमी की जो स्पॉन लोकेशन होती है वो चेंज हो जाती है, ऐसे में फिर से वापिस से आप लोगों को पूरा अपना समझ लो प्रिडिक्शन वगैरह लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्पॉन होगी वो एनिमी की बन जाएगी और एनिमी की जो स्पॉन होगी वो आपकी बन जाएगी, ओके, इसको कहते हैं स्पॉन फ्लिप। दोनों टीम की स्पॉन पोजिशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप लोग अगर स्पॉन फ्लिप करवाते हो तो आपको पता होना जरूरी है कि भाई स्पॉन फ्लिप हो गया है, एनिमी की स्पॉन लोकेशन चेंज हो गई है। एंड स्पॉन लोकेशन चेंज हो तो बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें एनिमी टीम कम बैक कर सकती है गेम के अंदर जब स्पॉन चेंज हो जाए तब, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको आपके पास वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी एनिमी की स्पॉन लोकेशन कहाँ है वो पता करने की, वो आप परफेक्ट नहीं होंगे। स्पॉन चेंज हुआ है तो वो कभी कभार बी एल ई में स्पॉन होंगे, कभी कभार वो जो आपके स्पॉन है वहाँ पे स्पॉन हो जाएंगे, फिर वापस से जब आप लोग जाओगे उनको मारने के लिए, आपको पता चल गया स्पॉन फ्लिप हो गया है, वापस से जाओगे उनको मारने के लिए, तो जहाँ पे स्पॉन फ्लिप हुआ है वो स्पॉन में भी वहाँ पे वापस से वो लोग स्पॉन हो सकते हैं, वापस से वो अपने पुराने बेस में भी स्पॉन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके पूरे टीममेट हट गए हैं, क्यों, क्योंकि स्पॉन फ्लिप हो गया इसीलिए। तो यहाँ पे टोटल ये 5 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग शुरुआत में परफेक्ट नहीं प्रिडिक्ट लगा सकोगे एनिमी कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, बट जैसे जैसे खेलोगे, ओके, जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि भाई मेरे टीममेट यहाँ 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 हैं, ओके, तो अब एनिमी यहाँ पे स्पॉन होंगे, आप ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जब करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई एनिमी कहाँ स्पॉन होंगे, ओके, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई आपने ये वीडियो देख ली और आपको बस अब सब कुछ पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत चाहिए इस चीज़ में, ओके। जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा गेम खेलोगे, जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझोगे, उतना आपको ये उतना माहिर होते जाओगे इस चीज़ में, ओके। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ थी स्पॉन की, मैंने 5 टोटल पॉइंट 5 चीज़ों में इसको डिवाइड कर दिया था। तो आई होप कि भाई आप लोग समझ गए होंगे बेसिक फंडा क्या होता है कि स्पॉन का, एनिमी स्पॉन का, ओके, कि भाई उनकी लोकेशन का। तो यहाँ पे
यही है पूरी चीज़, लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को, ओके। अगर कुछ अभी भी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, ओके। नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आंसर दे दूंगा। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट न्यूज़ वगैरह की वीडियो लाता रहूँगा कॉलर ब्यूटी की। सो मैं मिल रहा हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।